जहां एक तरफ सवि ने अपनी काबिलियत के आधार पर भोसले इंस्टीट्यूट में एडमिशन पा ही लिया है, वहीं अब हम आपको बताते हैं कि भोसले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद शांतनु अब उसे भोसले निवास लेकर आ गया। जैसे ही सवि की भोसले निवास में एंट्री होती है, यहाँ पर हो जाता है बहुत बड़ा हंगामा। ऐसा हंगामा कि यहाँ पर सभी के होश उड़ गए हैं। हर कोई इस बात को लेकर हैरान परेशान है कि आखिरकार शांतनु को सवि से इतना लगाव क्यों है कि वो उसे घर तक ले आया है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर शांतनु सवि को सिर्फ इसलिए लाया है क्योंकि ईशा ने उसकी जिम्मेदारी ली है। भले ही ईशा उसके परिवार का हिस्सा ना हो, लेकिन आज भी शांतनु ईशा को बहुत प्यार करता है, उसे मानता है और वो जानता है कि ईशा ने जो कुछ भी अपनी जिंदगी में किया है वो गलत नहीं था। लेकिन शांतनु कभी भी उसे सपोर्ट नहीं कर पाया और इस बात का गिल्ट उसको आज भी है। ऐसे में अब शांतनु ईशा को बात को मानते हुए समझते हुए ईशा की जिम्मेदारी को अब उसने अपनी जिम्मेदारी समझा और वो सभी को जैसे ही घर लेकर आया है, यहाँ पर राव साहेब, अक्का साहेब सभी नाराज़ हो गए हैं। ईशान को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि उसके पिता सभी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। उसे अब सभी से नफरत होने लगी है, यानी कि सभी को भले ही काबिलियत के आधार पर ईशान ने एडमिशन दे दिया हो, लेकिन जिस तरीके से अब वो धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, ये बात बिल्कुल भी ईशान को पसंद नहीं आ रही और अब उसने बड़ा फैसला ले लिया है। उसने साफ साफ अपने पिता को कहा है कि अगर ये लड़की इस घर में रहेगी, भोसले निवास में रहेगी, तो मैं अब इस घर में नहीं रुकूंगा, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो एक बात तो तय है कि अब घर छोड़कर जाने की बात कह डाली है किसी और ने नहीं बल्कि ईशान ने। एक बात तय है कि जिस तरीके से अब ईशान लगातार अपने फैसले ले रहा है, जिस तरीके से वो ईशा को लेकर कड़वाहट दिखा रहा है, ये बात सभी को खटकने लगी है। सभी ये नहीं समझ पा रही कि ईशान और ईशा का क्या रिश्ता है, क्यों बार बार नाम आते साथ ईशा का ईशान इतना कड़वा हो जाता है, और इसी राज को अब जानना चाहती है सभी। लेकिन फिलहाल सभी को जब तक हॉस्टल नहीं मिलता है, सभी को जब तक रहने की जगह नहीं मिलती, शांतनु उसे अपने घर में ले आया है। लेकिन यहाँ पर उसके आते साथ उसके स्वागत की जगह उसे बहुत सारी गालियाँ सुनने को मिलेगी। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि सभी इतनी मुश्किलों के बावजूद अपने कलेक्टर बनने के सपने को पूरा कर पाएगी या नहीं, कमेंट में लिखकर अपनी राय ज़रूर बताएं।